राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 45, 25, 10, 20 के फॉर्मूले से जारी होगा। इसमें 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नंबरों को 45% वेटेज दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान बोर्ड 8वीं कक्षा में छात्रों को मार्क्स नहीं बल्कि ग्रेड दिए जाते हैं। इस समस्या का हल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और डाइट को 8वीं कक्षा के नंबरों का फॉर्मेट भी भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंक निर्धारण समितियों को 12 जुलाई तक ऑनलाइन 10वीं कक्षा के अंक भेजने होंगे। ए प्लस ग्रेड वालों के 91 से 100 नंबर, ए ग्रेड वालों के 76 से 90 नंबर, बी ग्रेड वालों के 61 से 75 नंबर, सी ग्रेड वालों के 41 से 60 नंबर, वहीं डी ग्रेड वालों के 0 से 40 नंबर दिए जाएंगे। जिस विद्यार्थी ने संबंधित विषय में 99 नंबर हासिल किए हैं उसके 44.55 अंक 10वीं में जोड़े जाएंगे। कक्षा 10वीं के मार्क्स का निर्धारण 8वीं बोर्ड परीक्षा के अंक, 9वीं कक्षा के अंक, 10वीं कक्षा के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किए जाएंगे। 8वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों का 45%, 9वीं कक्षा के अंकों का 25%, 10वीं कक्षा के प्रदर्शन का 10% वेटेज दिया जाएगा। कक्षा 10वीं के मार्क्स का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। ये समिति वर्तमान सत्र में स्माइल, स्माइल 2, आओ घर में सीखे कक्षा तथा कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की भागीदारी व प्रदर्शन के आधार पर उसे अंक देगी। सत्रांक का अंकवार पहले के सालों की तरह 20% रहेगा। ऐसे में स्कूलों के पास 10वीं में 30 अंक देने का जिम्मा आ गया है। शिक्षा से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।